सुबह की शुरुआत चाय से हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश एकदम। ऐसी दिमाग की बत्ती गुल हो गई थी तो अभी खुल गई। Hey guys, hope you all are doing absolutely fine. सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं आया हूँ मार्केट में, घर के पास जो लगता है वो मार्केट में आया हूँ, कुछ सब्जियाँ लेनी थी। और मैं सोचा कि मार्केट आते ही आपको कुछ मार्केट का हाल भी दिखा दूँ, भीड़ कैसी है, क्या चल रहा है मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे में काफ़ी लोग हैं, यूजुअली भीड़ तो काफ़ी रहती है लेकिन अभी लॉकडाउन आपको तो पता ही है, उसके कारण भीड़ वगैरह काफ़ी कम है। How are you doing? I'm doing good and I hope you all are also doing good. Just finished my work and I just wanted to thank you for a reason, because I read all your comments on my previous videos. I was very happy while reading that, and thank you so much for your appreciation on my new initiative, and very very thank you to those who commented me and suggested my mistakes, and I am working on that also. Thank you guys so much that you loved my videos, and I just wanted to tell you that your comments are very precious for me, because you are suggesting me my mistakes and I am working on that. I was just working on that. काफ़ी अच्छा लगता है जब आप रिस्पॉन्स देते हो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है वीडियोज में, पढ़ने में भी और उसमें इम्प्रूवमेंट करने में भी, बिकॉज आपको तो पता ही होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो आपका प्रोग्रेस भी नहीं होगा, और इसलिए मैं भी जहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हो रही है मैं इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ। फ्यू ऑफ यू ऑल्सो कॉल्ड मी पर्सनली एंड also suggested beautiful ideas, and I will make sure that I will execute that ideas in a best possible way in my upcoming videos. And guys bahut khushi hoti hai jab aapke comments padhta hu. काफ़ी अच्छा लगा आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ के, मैंने सारे कमेंट्स पढ़ा ऑलमोस्ट सारे, और काफ़ी अच्छा लगा, आपने अप्रिशिएट किया, और आई एम वेरी थैंकफुल कि आप अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे रहे हो और आगे भी देते रहोगे। अभी फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के 3:15 एंड मुझे बाहर जाना है, बिकॉज
वीडियो के लिए इंट्रो भी शूट करना है और बाहर काफी धूप हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा सह लेंगे। आपको तो नागपुर की धूप पता ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपके प्यार के सामने वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एंड हाँ, मैंने अपनी बाइक का एक नाम भी सोच लिया है, वो वीडियो के एंड में आपको रिवील कर दूंगा मैं, तो वीडियो के एंड तक के बने रहिए। गाइज, अभी हम हमारे लोकेशन पे है जहाँ पे हमको इंट्रो शूट करना है, और उसी की तैयारी भी चालू है। देखो कितना धूप है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपके लिए इंट्रो शूट कर रहे हैं, और काफ़ी मेहनत भी लग रही है। और नागपुर की धूप तो आपको पता ही होगी कितनी हार्श होती है। अगर आप 5 मिनट में धूप में रह जाओ तो अगले 1 महीने तक के आपको फिर रगड़ते रहना पड़ेगा, इतनी हार्श धूप है। तो फिर भी हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, सह लेंगे थोड़ा सा। शाम के 6 बज रहे हैं, मैं आया हूँ मेरे एक फ्रेंड के साथ, जो कि मेरा नेबर भी है, मेरा फ्रेंड भी है, उसके साथ आया हूँ घूमने के लिए। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा शॉर्ट राइड हो जाए, तो मैं घर के पास ही आया हूँ।
घर से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे गोरेवाड़ा का जंगल है, वहीं पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको सीनिक ब्यूटी भी दिखाता हूँ, कितना प्यारा नज़ारा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो बहुत ही बेहतर फील हो रहा है। आपको नॉइज़ तो आ रही होगी काफ़ी, क्योंकि बाजू से रिंग रोड भी जाता है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। बहुत दिनों बाद बाहर निकला हूँ ऐसे, मतलब फ्रेश हवा लेने के लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। ये पीछे में देख सकते हो, ये गोरेवाड़ा का जंगल है हमारा, और यहाँ पे शेर भी है, बोलते टाइगर, तो टाइगर है तो थोड़ा सा पता नहीं कहाँ, मतलब किस इलाके में यहाँ पे होता है कि वहाँ पे केज टाइप है। कभी गोरेवाड़ा के जंगल में भी जाके देखेंगे कि भाई शेर वेर से मुलाकात भी हो जाए कभी। अभी देखो काफ़ी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मास्क उतार दिया हो क्योंकि मास्क पहनने की भी एक लिमिट होती है, हम भी थक चुके हैं मास्क पहन के, और बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा बाहर आ जाए तो। गाइज एक्चुअली मैं जो सोच रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन के बाद कहीं ट्रैवल किया जाए, अभी कुछ ही दिन बचे हैं 1 जून के लिए, मुझे लगता है लॉकडाउन खुल जाएगा। अगर खुलता है तो कहीं जाएंगे, और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हमारे नागपुर में, तो एक्सप्लोर भी करेंगे। लेकिन बहुत सारी चैलेंजेस भी आने वाली है ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज आप किसी रास्ते पे चलते हो तो ऑब्वियसली बात है चैलेंजेस तो आएंगे ही, डिफ़िकल्टीज आएंगी, तो उसको टैकल करना हमको सीखना वो ज़रूरी है। अपन उसको किस तरह से टैकल करते हैं उसी पे अपना मतलब ये डिपेंड होता है सक्सेस। और चलो अभी मैं मेरे दोस्त से इंट्रोड्यूस करता हूँ। ओके, वैसे काफ़ी स्मार्ट दिखता हूँ मैं आजकल, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। वो सामने में देख रहे हो गाइस, वो गोरेवाड़ा का सेकंड गेट है, वहाँ से भी ट्रेकिंग के लिए अपन अंदर में जा सकते हैं जंगल में, और मुझे कुछ लाइट वगैरह दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, कभी जाएंगे वहाँ पे भी। व्हाट्सअप, कैसा है? हाय कर दे अपने दोस्तों को, छोटी सी फैमिली है। हाय। ये गाइस ये साहिल है, मेरा नेबर है और काफ़ी अच्छा है। बचपन में मैं इसको मतलब क्रिकेट सिखाया करता था, और आजकल ये मेरे को कुछ और चीज़ें सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है साहिल आज? मैं तो देखो क्रिकेट सिखाया, लेकिन तू मुझे क्या सिखा रहा है? फोटोग्राफी सिखा। अच्छा, फोटोग्राफी मतलब किसी ना मतलब हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। अच्छा, इससे फोटोग्राफी सीखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करता है, और मुझे भी एक दो फोटोज़ क्लिक करके दी है। तो आप व्यू एंजॉय करो और मैं ये रियलिटी में एंजॉय करता हूँ। ओके, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, अपना गाड़ी का नामकरण होने वाला है, तो नामकरण कुछ फनी वे में करेंगे अपन। बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ बताए, मैं चार चीट्स लूँगा उसको ज़मीन पे रखूँगा, और उसके ऊपर मेरे डॉगी मतलब लकी की ट्रीट रखूँगा,
और उसको आवाज़ दूंगा, जो भी ट्रीट वो पहले खाएगा, जिस भी चीट पी के ट्रीट वो पहले खाएगा वही नाम अपने बाइक का रखेंगे और देखते हैं क्या होता है। गाइस ये देख सकते हो, ये उसकी ये चीट है और उसके ऊपर ट्रीट भी है। ऐसे मैंने चार रखे अलग अलग जगह पे और अलग अलग डिस्टेंस पे। तो अभी मेरा एक मिनट गाइस, अभी लक्की जो है अंदर में सो रहा है, उसको ज़ोर से आवाज़ देंगे और उसको पता है आवाज़ दिए मतलब उसको खाने को मिलने वाला है या फिर कोई तो भी शिकार है, तो वो सबसे दौड़ते हुए आएगा और अपनी ट्रीट पे झपटेगा और जो भी नाम रहेगा वो अपने बाइक का नाम होने वाला है। ये देखो गाइस, ये ऐसे सो रहा है दुम दबा के, तो उसको आवाज़ देता हूँ मैं। लकी छू छू छू, इसको अभी भी समझ में नहीं आया कंसेप्ट क्या है। तो ये देखो कहाँ देख रही है, बिल्लियाँ देख रहा है, इसको पता नहीं कि इसके लिए खाना भी है करके। क्या देख रहा है रे लकी? गाइस ये उतना बुद्धिमान नहीं है जितना अपन समझते हैं। ये देखो इसको अभी भी समझ में नहीं आया, धीरे धीरे ये देखो उसको खुशबू आ रही होंगे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो उसको स्मेल आ रही है, उसको स्मेल आ रही है। अरे कैसा कुत्ता है रे तू, वेट करेंगे गाइस। अरे वाह, तो ये वाला चीट जो है यही नाम होगा, नाम क्या है? ओहो रूपवती, सभी चीट खा ले। अबे उधर भी है ना गधे, जा उधर वो खा। तो गाइस अपने गाड़ी का नाम, अपने बाइक का नाम रूपवती होने वाला है और ये फाइनल नेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ये ले छोटे खा ले, तू भी क्या याद रखेगा। तो गाइस आज से इसका नाम रूपवती होने वाला है। क्या रे रूपवती कैसी है तू? रूपवती अच्छी है बोलते, ठीक है बोलते। तो रूपवती हमको ट्रैवलिंग में बहुत मदद करने वाली है, हमारे साथ ही जाएंगी जब भी हम ट्रैवल करेंगे, रूपवती हमारे साथ रहेंगी और मज़ा आएगा रूपवती के साथ ट्रैवल करने।